Hello friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur, I am your IELTS trainer. In today's video, I am going to describe the 19 number cue card of the list which has been shown for September to December cue cards. Describe a person who helps other in his or her spare time. ये जिहड़ा क्यू कार्ड है मैं बहुत ईजी तरीके दे नाल बनाया, तुसी इहदी वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो, तुहानू आइडियाज़ मिल जाणगे आराम नाल। तुसी आराम नाल ये क्यू कार्ड बोल के 7 अबव बैंड स्कोर हासिल कर सकते हैं। फस्ट क्वेश्चन हैगा, हू दिस परसन इज़, कौन है ये बंदा। हाउ ऑफन दिस परसन हैल्प्स अदर, किन्ने क टाइम बाद करता। हाउ दिस परसन हैल्प्स अदर, किवें करता है। वाई दिस परसन हैल्प्स अदर, क्यों करता है। हाउ यू फील अबाउट दिस परसन, भी इस परसन बारे तुसी की फील करते हैं। आप ये कह सकते हैं भी अजकल की है, हैल्प करना इन्ना ज़्यादा मतलब ट्रेंड दे विच नहीं हैगा, एक ही थिंग ऑफ पास्ट बन चुकी है, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं हैगा अजकल, उन्ना वो इन्ने ज़्यादा फ्री नहीं होंगे कि दूजे लोगों की हैल्प कर सकन। बट आ परसन जिहड़ा भी हैल्प करता है वो मेरे नेबरहुड दे विच रहिंदा है, वो कि टीचर आ बाय प्रोफेशन, वो ये चीज़ डेली करता है। हैल्प किवें करता है, छोटे बच्चों नू फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेस दिंदा, अलोंग विद दिस उन्होंने फाइनैशियल हैल्प करता है कि वह फी डिपॉजिट कर सकन, अटेंड करन लिए अपने स्कूल, तो उन्होंने परचेज़ करन लिए स्टडी मटीरियल दे विच हेल्प करता। क्यों ये बंदा हेल्प करता, क्योंकि उन्हें आपने ही इदां दी बहुत सारिया प्रॉब्लम फेस कीतियां हुई अपने चाइल्डहुड डेज़ दे विच, क्योंकि उस टाइम दे विच उन्हां दी फैमिली कंडीशन ज़्यादा वधिया नहीं हुंदी सी, ते उन्हूं की आ पास दे विच उह अपना काम करता हुंदा सी स्टडी नूं कंपनसेट करन लिए, स्टडी दे एक्सपेंसिस नूं कंपनसेट करन दे लिए, तां करके। तो वो ये भी जानता है कि स्टडी की अजकल कितनी वैल्यू है, भी एक लिटरेट परसन ही अपनी लिविंग्स नूं अपने लाइवलीहुड नूं अर्न कर सकता है, जिहड़े इलिटरेट परसन है वो की है हमेशा पिछे रह जाते हैं। जस्ट आप किसी भी इनोवेशन के विचकार कर लिए या फिर कुछ भी है, वो सिर्फ हैंड टू माउथ रह जाते हैं हमेशा, जिहड़े कि लिटरेट पीपल है वो अपनी लाइफ दे विच कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो तुसी की सोचते हो बारे, मैनू बहुत वधिया लगता, मैनू की लगता हो कि बहुत वधिया काम कर रहा, गुड डीड कर रहा है। जदों भी मैं फ्री हुन्नी आ, मैं उहनू अपने आप कंपनी दिन्नी आ, मैं उहदे नाल हैल्प करवाउनी आ कि मैं बच्चों नू पढ़ा सकां, क्योंकि मैं भी चाहुंनी आ कि मैं कम्यूनिटी नू हैल्प कर सकां अपने एफर्ट्स दे नाल। इह जिहड़ा सारा क्यू कार्ड है आपां ने प्रेजेंट च ही बोलना है, कौन आ, कदों कदों करता है, किवें करता है, किहड़ा परसन आ, क्यों करता है, तो किवें तुसी फील करदे आ। वैल आप स्टार्ट इत्थों कर सकते हैं। हैल्पिंग इज़ अ काइंड ऑफ नॉबल एक्ट विच हैज़ बीन वैनिश्ड इन दिस फास्ट पेस लाइफ ड्यू टू सो मैनी रीजनस, बट अ परसन हु हैल्प्स अदर इन हिज और हर फ्रेयर टाइम, इन हिज स्पेयर टाइम इज़ माई अंकल हु इज़ लिविंग इन माई नेबरहुड। I know him since my childhood because he is a professor or he is a teacher by profession. He has a teaching profession. He helps the people on daily basis, on regular basis. For this, he teach the children who are living in my neighborhood, who belong to the destitute families, who belong to the poor family. Not only he teach them free of cost, but also provide them financial support for attending the school and purchasing study material, because he know that study material along with having the expenses of school are very expensive these days. He does this thing due to so many reasons. First of all, he has to face a lot of difficulties in grasping the knowledge or in acquiring the education in his childhood days. At that time, his family condition was not that wonderful. He used to do a part-time job along with his study to compensate the expenses of study. Along with this, he knows the value of education, as a literate person can earn his living in a better way as compared to the person who are doing the jobs without having that much of information. As in this technological era, people are not renowned. Those people are not renowned who do not have the much education. They should have the literate professional degrees. They should have the degrees by which they can earn their livings. I think this person is doing a good deed, and I always appreciate him for doing this thing. Whenever I have free time at that time, I accompany him by giving my services to the children who are studying from him.
बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व कम्युनिटी विद माई एफर्ट्स. दिस इज़ द मेन रीज़न वाई ही एंड आई ऑल्सो सर्व टू द पुअर फैमिली पीपल एज बाई गिविंग द एजुकेशन टू अ पर्सन वी कैन लाइटन हिज होल लाइफ. We can lighten his or her whole life. Therefore, I think so. Everybody should help the others whenever they require, because helping is a thing which provides us blessing along with having the internal satisfaction. And I also listened so many things from my parents that whenever we help others at that time, we can seek help from others. Otherwise, it is not possible. So this is the person who helps other in his or her free time. In his free time, ये सिगा अपना क्यू कार्ड जिधर विच मैं सिंपल बेसिक आइडियाज़ यूज़ कित्ते हैं. तो सी इन यूज़ करके अबाउट 7 बैंड्स आराम ना अचीव कर सकते हैं. जस्ट एक तुहाडी फ्लुएंसी अलोंग विद दिस तुहाडी प्रोनंसिएशन तुहाडा फ्लो दैन कम जिहड़ा तुहाडा कॉन्फिडेंस या वो मैटर करता है. ये जे तुहानू मेरी वीडियो वधिया लगी तो इनू जरूर लाइक करियो, शेयर करियो उन्होंने बच्चों के नाल जिन्हों का आयल्स का एग्जाम हैगा, ताकि उन्होंने की बेनीफिट हो सके. नाल दे नाल मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर लियो इदां दी होर वीडियोज़ देखने लई बैल आइकन प्रेस करके. थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम गाइज, एंड हैव अ नाइस डे.